আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আকাশ ই রিক্সা টেক। তো ফ্রেন্ড, ইয়ে আপকা এট্রন কম্পানি কা ই রিক্সা হ্যায়, তো ইসকা মেইনলি ইলেকট্রিক কা হি প্রবলেম হ্যায়। ইসকা প্রবলেম মেইন ইয়ে হ্যায় কি ইস গাড়ি কা ভোল্টেজ 48 হ্যায়, ঠিক হ্যায়, লেকিন গাড়ি জব চল রহা হ্যায় তো ইসকা ভোল্টেজ বহুত জলদি ড্রপ হো যা রহা হ্যায়। তো ফ্রেন্ডস, আপ লোগ অগর ইস চ্যানেল পর নয় হো তো প্লিজ ইস চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব কর দিজিয়ে অর বগল মে জো অল নোটিফিকেশন কা অপশন হ্যায় উসকো প্রেস করকে অল নোটিফিকেশন কো অন কর দিজিয়ে, তাকি আচ্ছা আচ্ছা নয়া কন্টেন্ট মে জব আপলোড করু তো পহলে আপকে পাস হি আয়। তো ফ্রেন্ডস, ইয়ে গাড়ি কা টেস্ট ড্রাইভ লিয়ে তো দেখিয়ে আপ জব পিকআপ দে রহে তো ইসকা ভোল্টেজ কিতনা জলদি ড্রপ হো রহা হ্যায়। তো ये प्रॉब्लम को ही फाइंड आउट करेंगे, इसका प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये सब प्रॉब्लम ज़्यादातर बैटरी ख़राब होने की वजह से भी होता है, तो देखते हैं तो पहले प्रॉब्लम क्या है। तो फ्रेंड्स, पहले लोड में बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे कितना करके आ रहा है। तो देखिए अभी 10.42 आ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, पिकअप देने से जब मोटर में लोड आ रहा है तो आपका बैटरी का वोल्टेज 2.50 ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये बैटरी में डेफिनेटली प्रॉब्लम है। तो बगल में ये वाला बैटरी भी देख ले, देखिए इसमें आपका 12.30 है, पिकअप देने से ज़्यादा फ़र्क नहीं हो रहा है, 12.11 हो रहा है, तो ये बैटरी ठीक है। ये बैटरी में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, देखिए ये सब बैटरी ठीक है, ये पिकअप देने से देखिए 12.62 ऐसा कुछ आ रहा है, ये भी ठीक है, और ये वाला देखिए 12.19 है, पिकअप देने से ज़्यादा फ़र्क नहीं हो रहा है, 12.04। तो फ्रेंड्स, बैटरी में वाटर लेवल कैसा है उसको चेक करेंगे, तो देखते हैं इसमें वाटर लेवल ठीक है कि नहीं। और जिस बैटरी में प्रॉब्लम आया है तो उस बैटरी में भी वाटर लेवल ठीक है कि नहीं, ना सेल ड्राई हो गया उसको तो पहले तो चेक करना होगा। तो हम ग्रेविटी मीटर जो है ग्रेविटी मीटर से चेक कर रहे हैं, इसका ग्रेविटी जो ख़राब हो गया था जो वाला बैटरी का उसका देखिए, इसमें वाटर नहीं है, इसमें है लेकिन ग्रेविटी इसका अच्छा है, ग्रेविटी ठीक है, ये वाला इसमें भी ठीक है। तो फ्रेंड्स, सब बैटरी में ग्रेविटी टोटल 1200 के ऊपर ही है, 1200 के ऊपर ही है, किसी सेल का बैटरी का ग्रेविटी ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम है कि सिर्फ एक ही बैटरी के लिए पूरा फुल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, सिर्फ एक बैटरी के लिए। तो पहले तो इसको चेक कर लिए, कंफर्म हो गया कि बैटरी सब सही है कि नहीं, ग्रेविटी ठीक है कि नहीं, तो ये वाला बैटरी में ही प्रॉब्लम है। तो इस बैटरी का कोई भी एक सेल ख़राब हो गया तो इसलिए इसमें आपका 10.83 आ रहा है, तो आपका एक जो आपका इसमें जो एक सेल में पानी नहीं था तो शायद उस सेल में ही आपका प्रॉब्लम है। तो उसको कैसे चेक करते हैं उसको आपको दिखाता हूँ। तो पहले बैटरी का कोई भी एक टर्मिनल को पकड़िए, इसके बाद इसके अंदर जो सेल है पार्ट सेल को देखिए लगा के। तो देखिए एक सेल में आपका 2.8 आ रहा था, लेकिन देखिए ये वाला जो बैटरी का सेल है इसमें कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब देखिए ये वाला सेल पूरा डेड हो गया, और इस सेल के वजह से ही ख़राब होने की वजह से आपका बैटरी 10 वोल्ट दे रहा है देखिए, और पर सेल में आपका 2.2 या 2.5 करके वोल्टेज जनरेट होता है, तो सब मिला के आपका 12 वोल्ट जनरेट होता है। तो एक सेल ख़राब होने के लिए आपका देखिए 10.49 हो रहा है। तो जिस सेल में पानी नहीं था तो पहले इसमें देखते हैं पानी डाल के कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं, तो इसमें एकदम पानी नहीं था। और फिर जो जो सेल में पानी नहीं था तो सब सेल में पानी टॉप अप करके देखते हैं थोड़ा वोल्टेज कुछ फ़र्क होता है कि नहीं, तो सब सेल में पानी डाल के उसके बाद ही चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वाला जो बैटरी है जो बैटरी का सेल ख़राब था, देखिए इसमें 1 वोल्ट थोड़ा
ऊपर आया है, थोड़ा डेवलप हुआ है, करो, लेकिन फिर भी ये सेल खराब ही है, तो बैटरी देख के पता चल गया था, तो ये बैटरी को चेंज करना ही पड़ेगा। फिर भी ये इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम और भी है कि ये गाड़ी में बहुत शॉर्टेज हो रहा है, ये गाड़ी का बॉडी अर्थ भी है बहुत ज़्यादा, तो पहले उसको चेक करेंगे इसमें कितना बॉडी अर्थ आ रहा है, क्योंकि ये बॉडी अर्थ आने का कारण अब देख के पता चलेगा आपको, ये गाड़ी में आपका रास्ट रहेगा बहुत ज़्यादा, तो इससे आपको समझना चाहिए कि आपका बॉडी अर्थ ले, बैटरी अर्थ ले रहा है पूरा गाड़ी के साथ, तो ये वाला प्रॉब्लम भी इसका सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर बॉडी अर्थ होता है नेगेटिव सप्लाई से, तो बैटरी का मेन पॉजिटिव लाइन पकड़ के उसके बाद बॉडी में टच करके देखना होगा कितना वोल्टेज आ रहा है। तो देखिए इसमें आपका 40 वोल्ट आ रहा है आपका, ये होना नहीं चाहिए, देखिए 40 वोल्ट नेगेटिव अर्थ आ रहा है। तो ऐसा नेगेटिव अर्थ अगर आपका बॉडी के साथ रहेगा तो आपका गाड़ी कभी भी अच्छा बैकअप नहीं देगा। अच्छा बैटरी होने से भी आपका 50 ऐसा कुछ एवरेज में ही आएगा, और आपका ये बैटरी का लॉन्गजिविटी जो होता है वो भी कम हो जाएगा। तो आपका सोच ले, आपका 6 महीने का बैटरी अगर 1 साल भी चलता है तो 6 महीने का बैटरी 7 महीने में ही डेड हो जाएगा, तो प्रॉब्लम यही रहता है। और इस गाड़ी में अर्थ कहाँ से आ रहा है, तो ये वाला चेक करने के लिए पहले इसका जो मेन जो दो बड़ा तार होता है, तो बड़ा तार को पहले चेक करना होता है कि ये कहीं शॉर्ट होके कोई बॉडी के साथ अटैच है कि नहीं, उसको देखना होता है। और इसमें जो रास्ट जमा होता है पूरा रास्ट को भी क्लियर करेंगे, क्योंकि ये रास्ट अगर क्लियर नहीं करेंगे तो ये बाद में ही आपका बॉडी पूरा ख़राब हो जाएगा। तो पहले तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। और फ्रेंड, ये वाला जो बैटरी है, बैटरी जिसमें बैठता है, इसमें जो आपका जगह हुआ किया हुआ था बैटरी का, ये जगह भी टूटा हुआ था, तो इसको भी वेल्ड कर लेंगे, ताकि ये बैटरी जब गाड़ी चलता है तभी, ये बैटरी क्या होता है, बैटरी जब बहुत ज़्यादा हिलता है तभी अंदर से पानी निकलने का चांसेस रहता है, ऐसा कुछ बहुत प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बैटरी ऑल टाइम गाड़ी में फिक्स रहेगा तो सबसे बेहतर होता है, तो इसको भी ठीक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी में मेन प्रॉब्लम था कि इसमें कोई तार कहीं पे शॉर्टेज या कहीं पे लगा हुआ नहीं था, इसका मेन प्रॉब्लम था कि ये बैटरी से ही ये आपका बॉडी अर्थ ले रहा था। तो पहले तो ये जो बैटरी, हम चारों बैटरी को हम धोने दिए हैं, चारों बैटरी को पूरा फुल धोने के बाद उसके बाद ही फिर से ये बैटरी लगाएंगे। ये प्रॉब्लम होने का कारण यही था कि ये बैटरी प्लेट टूटा हुआ था, इसलिए ऊपर से बैटरी का सब पानी निकल के ना पूरा बैटरी नेगेटिव अर्थ ले रहा था, बॉडी हो रहा था, पूरा बैटरी बॉडी था, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो मेन प्रॉब्लम यही था, और इसका एक बैटरी तो ख़राब तो है ही, तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ही आशा करता हूँ ये बैटरी अगर चेंज करेगा तो प्रॉब्लम 100% सॉल्व रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, बैटरी का जो प्लेट है, ये प्लेट भी फिक्स बैठ गया पूरा। और फ्रेंड, बैटरी में जो रस्ट जमा हुआ था वो रस्ट को भी पूरा हटा दिए, ताकि फिर से कोई नेगेटिव अर्थ ना ले। देखिए फ्रेंड, अभी पूरा क्लियर है। इसके ऊपर कुछ जो बांस का एक ट्यूब होता है, ट्यूब देख के उसके बाद ही बैटरी को बैठाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, अभी नेगेटिव अर्थ का 0.56 ऐसा कुछ आ रहा है, तो ऐसा ही रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और आप अगर इस भाई के चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।